हेलो दोस्तों, वेलकम टू विथ एडिटिंग क्रिएशंस। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, ये मैंने एक 4 साल के बच्चे के लिए अभी लेटेस्ट एक शूज़ या इसको बूट या जो मर्जी बोल लीजिए बनाया है, देखिए। और ये मैंने एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए जस्ट कंप्लीट किया है। तो ये मैं आज आपको बिल्कुल बिगनर्स के लिए एक वीडियो में सिखाऊँगी आपको कैसे बनाया, किस तरीके से बनाया है। और ये क्रोशिया से बना है, मैंने इसके अंदर बेबी वूल यूज़ की है, राइट। बेबी वूल बहुत सॉफ्ट रहती है, 2 प्लाई की वूल है, ठीक है। तो बिना देर के मैं आपको बनाना शुरू करती हूँ कि ये हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप ये भी सीख जाएंगे तो इसके बाद जैसे जितने बड़े बच्चों का बनता है तो कुछ नहीं करना होगा, बस आपको उसके फंदे थोड़े बढ़ाने होंगे। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि पूरी वीडियो देखिए, मैं बीच में आपको बताती रहूँगी। ये देखिए, तो ये एक बूटीज है और देखने में बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। तो बिना लेट स्टार्ट किए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्रोशिया नॉर्मली आप 2.5 mm या 3.5 mm का ले सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी जो वूल है वो किस टाइप की है, तो उससे लेके हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले जैसे ये जो बेबी बूटी है छोटे बच्चों के लिए है, तो ये छोटे न्यूबॉर्न से लेकर 1 साल तक को आराम से आ जाएगी, राइट। सबसे पहले हमें इसमें 21 देखिए थ्रेड लिया। मैं बेसिक सिखा रही हूँ, बिगनर्स के लिए है ये, देखिए। तो इसमें वो 21 लेने हैं आपको। जो भी आप लेंगे इसका ध्यान रखिए कि आपको 3 के मल्टीपल्स लेने हैं, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये तो ज़्यादा हो गया, बस 22 तक हो गया। तो 21 + 1, तो क्योंकि ये हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। देखिए ये आपने लिया, ये आपको ऊपर का थ्रेड दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये चेन होती है, तो इसको आप इसमें से डाला, इसमें से निकाला और पूरा ले लिया। दिस इज़ अ हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। तो पूरी रो कम्प्लीट कर लीजिए ऐसे ही। आई थिंक होप इज़ क्लियर। देखिए ये है, ये डाला, ये लिया और ये निकाला, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके पहले वीडियो मैंने आप लोग को डाला था कि आपके साइड्स टेढ़ी ना हो, इसलिए मैंने बेसिक से शुरुआत किया था। तो यहाँ पे भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारी जो साइड्स हैं वो टेढ़ी ना हो। देखिए, तो ये आप ऐसे बनाते आप जाएंगे तो फिर आपकी जो रो है वो आपकी रो कम्प्लीट हो जाएगी। देखिए, ठीक है, देखिए। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे और भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं, जो भी बिगनर्स हैं, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी बना रही हूँ, बना के लाऊंगी वीडियोस। लेकिन अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे और अगर कंटेंट नहीं बढ़ेगा तो फिर मोटिवेशन का कुछ फ़ायदा रहता नहीं। तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये बेसिकली मैंने बिजनेस के लिए चैनल शुरू किया है। तो अब से सर्दियाँ आ रही हैं, छोटे बच्चों के लिए ये जो प्योर वूल का रहता है ये बहुत ही अच्छा। अब देखिए, मैंने पहले भी डाल रखा है कि आपके साइड ना टेढ़ी हों, तो वो हमें हिसाब से करना है। ये बन गया ना, यू हैव टू टर्न। आपको 2 डबल क्रोशिया लेना है, उसके बाद आपको इसमें ना डाल के आपको नेक्स्ट में डालना है। दिख रहा है आपको ये, तो आपको नेक्स्ट में डालना है, राइट। ये बस ऐसे ही आपको पूरी रो कंप्लीट करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपको कितने बनाने हैं, 8 बनाने हैं। मैंने एक ऑलरेडी सैंपल बना के रखा हुआ है, देखिए ये आपको कितनी रोज कंप्लीट। अब लाइन से कर सकते हैं 1, ये देखिए मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो ये आपको कम से कम इसमें आपको 8 लाइन्स कंप्लीट करनी, ठीक है। सी 1, 2, 3, 4, तो 1 मिनट 2 आ रहा, तो आपके 8 लाइनें कंप्लीट हो गई। तो टोटल आपके मतलब 9 हो गई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। ये आपका रेडी हो गया। फिर आप यहाँ जाके आपका रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आप अगर पाँव का पोर्शन देखेंगे, देखिए ये चीज़ हमारी बन गई है, ये चीज़ हमारी बन गई है। अब हमें ये चीज़ बनानी है। तो ये चीज़ कैसे बनेगी, इसको हम 3 पार्ट पर डिवाइड करेंगे। 21 थे, मैंने बताया था आप लोग को। तो 21 का मतलब कि हमारा कितना हो जाएगा, फिर
21 डिवाइडेड बाई 3 7, सो व्हाट वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 राइट। तो इसमें हम 7 से हम फिर से लेंगे बीच का जो पोर्शन है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है, दिस अ पार्ट। या देखिए आप काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 राइट। अब आपको उसको 3 में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 बीच के जो 7 हैं वो आपको बढ़ाने हैं राइट। देखिए तो मैंने वो ले लिया ये वाली, ठीक है, 9, तो जो बीच के 7 हो गए ये आपको बढ़ाना है। देखिए 1, देखिए ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, बस क्लियर हो गया। पलटिए, अगेन दो डबल क्रोशिया, जैसे मैंने समझाया था, इसमें ना पढ़ के इसमें डलेगा, डाला निकाला, ये डाला देखिए ये निकाला, ठीक है, ये आपको 8 बनाने हैं। कितने आपकी लाइंस बनेंगी इसमें, इसमें आपकी टोटल बनेगी 8 लाइन है। अब जो आखिरी का फंदा भी बुनना है राइट, नौ टर्न करिए, तो 1 2 कहाँ पड़ेगा, दिस में नहीं यहाँ पड़ेगा राइट। सो इन दिस वे ये आप क्या बना रहे हैं, जो हमारे आगे के जो पाँव का हमारा पंजा होता है ये वो पोर्शन बना रहे हैं। अब कोई भी अगर सॉक्स बनाएंगे तो उसमें यही फंडा रहता है कि उसमें बीच में जो फंदे होते हैं वो हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसमें मोज कितने लिए थे, इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने देखिए ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, तो इसमें मैंने कितने लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाने हैं हमें राइट। तो ये आप 8 बनाइए, तो जब आपके 8 हो जाएंगे फिर हम लोग मिलते हैं। वेलकम बैक, ये देखिए 8 बन गया पूरा, 8 बना के यहाँ से आप बनाता धागा तोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसमें या तो आप सेम कलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम नीचे वाला जो हमारे पाँव के जो नीचे एड़ी मान लीजिए जो फुट हो गया वो आएगा उसका सोल यू कैन से। अब हमने ये दूसरे कलर का मैंने ऊन ले लिया है, अब मेन आपको क्या करना है, देखिए मेन ये स्टेप है, या पहले फंदे से यहाँ से आप इसको लेना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे लिया, ऐसे ऐसे अगेन, सब में मैंने पूरे उसमें अपना हाफ डबल क्रोशिया ही यूज़ किया, ठीक है, ये लिया, ये आपको बेसिकली क्या करना है मैं बता दूँ, ये सारा आपको इकट्ठे लेना है, फंदे को बढ़ाना है, ठीक है, देखिए ये राइट, ये ठीक है, देखिए ठीक है, ये बेसिकली आपको सारा इकट्ठा लेना है, मैं आपको बता रही हूँ, बेसिकली हर बूटी का ये फंडा रहता है। और छोटे बच्चों के लिए जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, जैसे मेरे भी एक्सपीरियंस ट्रस्ट में, जो हाथ के बने कपड़े होते हैं, जो हाथ के बने आपके ऊनी हैं, बहुत ही बेस्ट है, और बच्चों को ठंड बिल्कुल लगती नहीं है। और हमेशा जैसे अगर हम मार्केट से भी खरीदेंगे तो वो क्वालिटी आपको मिलेगा नहीं जो हम घर में बनाते हैं बच्चों के लिए। बेबी वूल यूज़ करिए आप, बेबी वूल 2 प्लाई की ऊन रहेगी, तो उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एरिया आप देख रहे हैं कम्प्लीट, अब हमें ये पूरा भी लेना है इकट्ठे, ठीक है, देखिए सर हर फंदे में, मतलब सिंपल है ये, इवन बिगनर्स भी इसको बना सकते हैं राइट। देखिए अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब छोटे बेबीज़ होते हैं ना, तो उनके जैसे मैंने कई वीडियोस में देखा है कि डिफरेंट फैंसी टाइप की बूटीज दिखाते हैं, आप जो भी बूटी बनाइए उसमें आप एक डोरी ज़रूर डालिए, क्योंकि जब बच्चे अपना पाँव मूव करते हैं ना, जब बच्चे अपने पाँव को हिलाते हैं तो वो खुलने का डर रहता है, ठीक है, इसको पीछे कर दीजिए। देखिए
तो ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए क्लियर, ये देखिए शेप दिख रहा है आपको, ये पूरा मैंने क्लियर कर लिया। ये देखिए पूरा कंप्लीट, आप देखिए ये इसकी शेप देख रहे हैं, ऐसे आ गई। बेसिकली क्या है, ये आपकी बूटी देखिए शेप में आ गई है। अगेन आपको इसको कम से कम 4 सलाई बनाना है। ये सारे फंदे ले लिए आप, टर्न करेंगे, 4 सलाई ले लेंगे जैसे मैंने इसमें बनाया था, 4 सलाई लेके ठीक है। फिर आपको इसको पूरा स्टिच करना है, यहाँ से यहाँ ऑरेंज से कर लेंगे, फिर ये आपकी बेबी बूटी ऐसे बन जाएगी। देखिए सिंपल ठीक है। और ये मैंने एक डोरी बना के इसमें डाल दी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बच्चों के जो बनते हैं आपके बच्चे से पाँव लाते हैं, इसका एक फूल है, फ्लावर है, फ्लावर की वीडियो में डाल दूँगी। डोरी बना के इसको बांध सकते हैं, तो छोटे से बच्चों का पहनाइए, बच्चे आपके बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत प्यारे लगेंगे। और ये मैंने एक 4 साल के बच्चे का बनाया था, इसमें मुझे डोरी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि वो बच्चे 4 साल के बड़े होते हैं तो आराम से चल सकते हैं, फिट सकते हैं, समझ गए। तो ये देखिए ये हो गया। अगेन एक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये आप टर्न किया जैसे मैंने बताया था, 2 बार लिया आपने, फिर इसको लेके ये डाला ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, बस। तो ये आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 ठीक है। जब आपके 4 हो जाएंगे, इसको आप उल्टा करेंगे, फिर इसको आप सिल सकते हैं यहाँ से यहाँ से, या तो आप क्रोशे सिल सकते हैं। या आपको ये सैम्पल दे दूँ, जैसे आपका जब ये 4 बन जाएगा, इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे, तो इसको हम सिलते कैसे हैं, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे राइट। फिर ये आपको दिख रहे हैं, तो ये दो आपको दिख रहे हैं, ये आपके फंदे हैं, आप इकट्ठे लेंगे और उसको सिलाई से कर लेंगे, या फिर बहुत सारी आपकी नीडल्स मार्केट में अवेलेबल है, उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा, कोई भी डोरी लगा के इसको बना लीजिए और आपका ब्यूटी इज़ रेडी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी लेटेस्ट वीडियोज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू।